top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. भी फैंटास्टिक, कोई परेशानी नहीं थी, ये बहुत प्यारी लड़की थी, शी वाज 6 एंड हाफ और 7 इयर्स ओल्ड, 7 बरस की थी जब शी शॉट दिस, अभी तो शी डेट 8 एंड हाफ, तो बहुत ही मैच्योर थी, हमेशा टाइम पे आती थी, नो कंप्लेंट्स, वो एक जिम्मेदार थी, तो हर सुबह सेट पे आके शी यूज्ड टू से जॉनसन जॉनसन मैंने आज कुछ नया सीखा है वैनिटी वैन के अंदर अंदर उससे क्या सीखा है एंड शी वुड डू बैक फ्लिप्स और स्प्लिट्स एंड यू नो शी वुड थिंक तो वेरी पॉजिटिव बहुत प्यारी लड़की तो वेरी वेरी नॉर्मल गर्ल एक्चुअली क्या होता है जब एक 6-7 साल की लड़की होती है तो आप भी डरे हुए रहते हो कि यू नो फाइनली उसकी उम्र ही 7 साल की यू कैन नॉट फोर्स देम टू एक्ट और समथिंग चिल्ला भी नहीं सकते उन पे थक भी जाते हैं जल्दी बच्चे यू नो शाम को 6-7 बजे के बाद क्रैंकी भी हो जाते हैं ये सारी चीजें होती है उनके साथ तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इनफैक्ट वी बोथ वर प्रिपेयर्ड बट समवेयर देयर इज ट्रू डिसिप्लिन मतलब वो कभी हमको एक मिनट भी उससे प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत ही सपोर्टिव एंड अ फैंटास्टिक एक्टर हीरोज़ और डोंट सी अ रियल हीरो डोंट सी अ रियल हीरो यू कम एंड सी रॉकी हैंसन एंड हमारी फिल्म आई वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द फिल्म्स लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इंडियननेस है और जो इमोशंस है और जो सोल है अपनी फिल्म में आई डोंट थिंक एनीबडी कैन रेप्लिकेट दैट इट्स ब्यूटिफुल मैं आई एम टेलिंग यू व्हेन यू वॉच इट यू विल अंडरस्टैंड फिल्म की मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करता आई वुड नॉट मार्केट अ बैड फिल्म इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म क्योंकि इसमें मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है एज अ प्रोड्यूसर तो मुझे मतलब मैं और भी केयरफुल यू नो आई हैव समथिंग फैंटास्टिक तो कॉन्टेंट वाइज निशिकांत के साथ खेल तो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्टेंट यू नो ही इज ए क्लास ए ग्रेट डायरेक्टर और उसके ऊपर जब भी उनका नाम जुड़ा होता है देन यू नो यू आर सेफ तो मैं काफी सेफ हूँ एज अ प्रोड्यूसर आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर मैं बहुत खुश हूँ कि इनके साथ में काम कर रहा हूँ क्योंकि हर एक एक्टर का यही होता है कि एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे एंड निशिकांत इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर यू नो जस्ट आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग अगर उनको बॉडी वॉडी चाहिए तो मैं लेके उन लोग कर सकते हैं जिसको भी चाहिए आई गिव इट टू देम हॉलीवुड नहीं आई थिंक पहला मकसद ये है कि हम हमारे इंडस्ट्री में मेक फिल्म्स दैट कैन बी कंपेरेबल टू द बेस्ट और वापस आई थिंक यू आस्क्ड अ फैंटास्टिक क्वेश्चन क्योंकि रॉकी हैंडसम एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं लेकिन पूरी दुनिया देख के बोल सकती है कि वाओ दिस इज रियली कम आउट ऑफ इंडिया दिस इज फैंटास्टिक क्योंकि सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन एक्शन एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास इन दिस फिल्म ऐसे अक्सर होता है कि यू सी अ लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स दैट डोंट मीट your expectations. लेकिन इस फिल्म को हम लोग कहीं भी दिखा सकते हैं छोटे और फ्रेंड्स जब भी आप बाहर जाओगे दिस इज द फिल्म फ्रॉम इंडिया एंड वाओ ये एक्शन हमने देखा नहीं है इंडियंस की फेथ को चल रही एक्शन है इंटरनेशनल दिख रहा है एक्शन और जिस तरीके से हमने स्क्रीन पे लिखा है जिस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया है सेट डिजाइन एवरीथिंग इज ट्रूली इंटरनेशनल तो हॉलीवुड का हर एक टाइम मतलब आई थिंक ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट दीपिका एंड प्रियंका I as a colleague, I think I'm so proud of them. It's fantastic. क्योंकि उन लोग वहाँ पे जाकर, I think they got, you know, title roles, which is fantastic. So all salute to them, big salute to them. We are okay here. We decide when we have to go. If we have to go,